नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशंस। आज हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं जो गर्ल्स के लिए, बेबी गर्ल्स नहीं, मैं 10 से 12 साल की 12 साल की लड़कियों के लिए जो सूट के ऊपर जो पंजाबी जैकेट चलता है शॉर्ट में, उसकी वीडियो है ये, जो हमने हाथ से ही बनाई है। लोग रेडीमेड भी खरीदते हैं लेकिन इसे हाथ से भी बनाया जा सकता है। तो राउंड शॉर्ट जैकेट है ये, जो सूट या जीन्स वगैरह पे भी, टॉप वगैरह पे भी आप पहन इसको ऊपर से ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसकी कटिंग हम देख लेते हैं। हमारा मेजरमेंट है चेस्ट 7 इंच, चेस्ट हमारा 7 इंच, यहाँ हमने शोल्डर की मार्किंग कर ली है 5 इंच पे, आर्मोल हमारा 5.5 इंच है। बहुत ही इजी है ये। यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, यहाँ पे 1 इंच। ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं, सेम जैसे आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं। उसके बाद लंबाई हमको चाहिए 20 इंच। लंबाई आप अपने हिसाब से रखें जितना आपको चाहिए। सात इंच हमने चेस्ट लिया, उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यहाँ है हमारी कमर जो कि है 6 इंच, यहाँ भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस लाइन को जॉइंट कर देंगे। आर्म होल राउंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा पीछे का हिस्सा। ये हमने जैकेट के अस्तर के कपड़े पे काट रहे हैं। हमारा जैकेट का कपड़ा हमने किसी यूज़ के लिए लाया था तो उसमें से हमारा कपड़ा बच गया, तो उसका हम ये जैकेट बना रहे हैं, इसलिए उसमें अस्तर लगेगा, इसलिए हमने पहले ये अस्तर पे कटिंग कर ली है। ये हो गया हमारा पीछे का हिस्सा। हम फ्रंट का हिस्सा काटेंगे। इसके लिए हम ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके यहाँ हम उसी हिसाब से शोल्डर कटिंग कर लेंगे अपनी। गला अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, बस गले का 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे जैसे हमने बैक वाले पल्ले पे लगाया था। यहाँ से 5 इंच पे हम मार्किंग करके एक लाइन खींच लेंगे। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप 6 इंच, 5.5, 6 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से 5 इंच कपड़े, ये राउंड 5 इंच आपका ऐसे आएगा।
ये हो गया हमारा फ्रंट सॉरी बैक, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट में राउंड जैकेट। इसे कैजुअली वेयर किया जा सकता है किसी भी टॉप के ऊपर। इसके लिए हम अपने टॉप के सॉरी जैकेट के कपड़े पे भी इसी सेम चीज़ को रख के हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हम अपने कपड़े पे कटिंग रख के कर रहे हैं। ये हमारा बैक का पल्ला, आइए अब हम इसकी सिलाई देख लेते हैं कैसे होगी इसकी सिलाई। और अगर आपको वीडियो अंत तक देखें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आगे और लेती आऊँ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। इस जैकेट के लिए सबसे पहले हम अपना अस्तर जोड़ेंगे, सीधी तरफ जोड़ेंगे। ये हमारा पीछे का भाग है जैकेट का, इसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। Yeah.
टर्न करने के बाद हमने ऊपर से एक सिलाई चला ली है, अब बगल वाला हम जोड़ लेंगे। बगल वाला सॉरी हम नीचे ऊपर सब जगह से पहले ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का एक साइड का हिस्सा है, इसे भी हम पहले ऐसे सिलाई चला लेंगे। इसको भी हम टर्न करेंगे। पहले हम नीचे से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसे भी हम टर्न करेंगे। इसे हमने टर्न कर लिया, ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। फिर इसके बगल में भी हम चला लेंगे सिलाई। ऐसे ही सेम हम अपने दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ का तैयार कर लिया है। बहुत ही इजी तरीके से ये जैकेट बनेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे।
अब हम अपना बगल का ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ नीचे से फोल्ड करेंगे। पीछे का हिस्सा भी ऐसे फोल्ड करके सिल लेंगे। ये हमारा जैकेट बनके तैयार हो गया है। इसमें अब हम लेस लगाएंगे, तो इससे मैचिंग सिल्वर लेस हम इस पे लगाएंगे बीच में। ये हमारा सिल्वर लेस है जो हम बीच में लगा रहे हैं। सॉरी, इसे हम पहले बैक के पल्ले में नीचे के हिस्से में लगा रहे हैं। ताकि हमारे जैकेट का शो थोड़ा और बढ़ जाए, तो इसलिए हम ये इसे पीछे से हम करते हुए आगे वाले फ्रंट हिस्से में भी लगा रहे हैं। ये हमारा ऊपर के साइड का गला है, उस उधर भी हम लगा रहे हैं लेस। देखिए हमने चारों तरफ लगा लिया है लेस, आगे पीछे दोनों साइड में और अपने गले पर भी। आप चाहें तो आस्तीन पे लगा सकते हैं, उससे शो और अच्छा आएगा, और ना चाहें तो ना भी लगाएं, वो आपके ऊपर है। ये हमारा जैकेट आप चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं बीच से, चाहे तो आप एक हुक भी लगा सकते हैं जिसके ऊपर आप एक शो बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आस्तीन पे भी लेस लगाएंगे, तो आस्तीन पे भी लेस लगा के हम आपको दिखाते हैं।
ये देखिए हमने आस्तीन पे भी लेस लगा के तैयार कर लिया है। ये हमारा जैकेट, शॉर्ट जैकेट, इसको इसके अंदर आप ब्लैक सॉरी कोई भी टॉप के ऊपर इसको वेयर कर सकते हैं, जीन्स, लेगिंग्स, स्कर्ट्स किसी के ऊपर भी, अपर जैकेट है तो चल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।